अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ज़रा टाइम शॉर्ट है तो आप लोगों को बस एक क्विक वॉक राउंड देते हैं सुजुकी एवरी का। बेसिकली ये एक एपीवी है और ये जो हमारे यहाँ पे सुजुकी बोलान वगैरह कैरी डब्बा भी बोलते हैं, उनका एक रिप्लेसमेंट आया था जापान से। तो ये जापान में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं एपीवीज़, और लेक्सस भी इवन एपीवीज़ बनाती है, मर्सिडीज़ की अपनी एपीवीज़ आती हैं। तो ये हमारा जो एक बेसिक वेरिएंट था बिल्कुल वो सुजुकी बोलान, उससे काफ़ी मतलब एक आप सोच लें अपग्रेड है स्पेस में भी, और दूसरा ये कि परफॉर्मेंस वगैरह में भी और लुक्स में भी स्पेशली। लेकिन एपीवी होने की वजह से इसमें इंजन भी छोटा है, और दूसरा ये कि ये आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाने के लिए कोई खास इसमें लग्जरी फीचर्स नहीं है। तो जो लेक्सस वगैरह के मर्सिडीज़ वगैरह के आ रहे हैं वो तो वैनिटी वैन्स भी आती हैं उनकी, वो तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इसी चीज़ के लिए। तो खैर स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो इसमें आपके पास हेलोजन्स ही आ रहे हैं, जीनॉन, यहाँ पे हेलोजन टर्न सिग्नल्स, और फिर आपके पास पार्किंग लाइट्स हैं। फ्रंट बम्पर, फ्रंट फेस बिल्कुल फ्लैट है इसका, काफ़ी बड़ी इसके हेडलैम्प्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये एक फ्रंट बम्पर इसी तरह फ्लैट है बिल्कुल, वो वहाँ पे इसके रेडिएटर में ये जो फ्रंट ग्रिल है हवा के लिए। और फिर उसके बाद अगर इसकी हाइट देखें आप, हाइट वैसे इसकी बहुत ज़्यादा है, एक आम अगर आप सुजुकी बोलान से देखें तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा मुझे शक हो रहा है कि उससे कम है, और इसे आप रोड्स के अलावा कहीं हिली एरियाज़ में नहीं लेके जा सकते क्योंकि इसकी हाइट आप बहुत ज़्यादा है, तो ये एक आपको इशू होगा। उसके बाद इसके इंजन का आपको मैं बता दूँ कि इसमें इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है जो कि 44 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करे, जो कि बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट है, और 73 Nm टॉर्क। तो 970cc इंजन है, 1000cc राउंड ऑफ करके 1000cc इंजन है, और बड़ी एक मॉडेस्ट सी परफॉर्मेंस है, और सिर्फ है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए। बाकी मिरर्स वगैरह की देखें अगर बात करें तो रिट्रैक्टेबल भी नहीं है, और दूसरा ये कि सॉलिड प्लास्टिक है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर भी ब्लैक प्लास्टिक फिर दोबारा से, और कोई एलॉय व्हील्स वगैरह नहीं, और आपके पास स्टैंडर्ड जो व्हील्स आते हैं वो। इसमें यह है कि एक यूटिलिटी व्हीकल है और काफ़ी अच्छी यूटिलिटी व्हीकल है। अगर आप सुजुकी बोलान वगैरह ले लें तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। आपको इसका प्राइस कोड भी देते हैं क्योंकि ये फॉर सेल है अभी हमारे पास। यहाँ बैक में इसमें आपके पास ये इसका बूट तो नहीं कह सकते लेकिन पिछला डोर खोलने का हैंडल है, और यहाँ पे इसकी ब्रेक लाइट्स और पिछले इंडिकेटर्स हैं, एवरी लिखा हुआ है, और मैक्सिमम पे लोड 350 kg, और ये फिर से एक हाई माउंटेड ब्रेक लाइट भी है। इसके इंटीरियर की तरफ तो ये है इसका इंटीरियर, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस, काफ़ी ज़्यादा खुला डुला है, और इसकी खास चीज़ ये कि इसकी जो ये वाली सीट्स हैं ये फोल्ड भी हो जाती हैं, कंप्लीट फोल्ड भी हो जाती हैं, यहाँ से इसका लैच है। तो खैर अभी एक हाथ से तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन आपको ये दिखाते हैं। फ्रंट में आपके पास बेसिक सा इंटीरियर है लेकिन फिर सुजुकी बोलान से बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्लाइमेट कंट्रोल है, ऊपर वेंट्स दिए हुए हैं, फिर क्लॉक वगैरह, और एक उसी में एक स्पीकर भी है, तो जापानीज़ है। आगे चल के देखते हैं। ये है जी इसका कंप्लीट इंटीरियर। इसमें ऑनर बता रहे थे कि ख़ास चीज़ ये है कि इसमें 4 व्हील ड्राइव भी है, तो उसका ऑप्शन भी है, ये एक अच्छी चीज़ थी। और दूसरी बात ये कि आपके पास यहाँ पे पावर विंडोज़ भी हैं, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली ये 22 लाख उन्होंने इसकी डिमांड कर रहे हैं, सेल पे लगाया हुआ है। तो अगर आप इनका मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे दूँगा, आप में से किसी ने लेना है तो उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। मैनुअल है, एक चीज़ ये 5 स्पीड मैनुअल है, ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं, और फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे क्लॉक है और रेडियो वगैरह, और यहीं पे ये एक छोटा सा स्पीकर है। तो लेकिन ये जापानीज़ नीचे लिखी हुई है, आप गूगल ट्रांसलेट से देख सकते हैं। बाकी फ्रंट में भी एयर बैग है, और ये इसका ग्लव बॉक्स है, और यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील में भी एयर बैग है। स्टेयरिंग व्हील इसका ज़रा बेसिक सा ही है जैसे कि इसका बाकी का सारा इंटीरियर है, एज ए यूटिलिटी व्हीकल में इस तरह होता है। बाकी यहाँ पे इसका फ्यूल गेज है, और फिर आपको ट्रिप वगैरह बता रहा है कितना चला हुआ है, ट्रिप मीटर है, और बस ऐसा है जिसमें और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक मैनुअल हैंड ब्रेक। अभी ज़रा हाँ एक चीज़ के इसके डोर्स में स्पीकर्स हैं, बाकी ये बॉटल्स वगैरह रखने की जगह है, काफ़ी अच्छी स्पेशियस गाड़ी है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको ये दिखाऊँ इसका ये फीचर। इसके लिए मुझे ये देखें जी, मैं कामयाब तो हो गया हूँ। और उसके बाद अब ये सीट वापस ये वाला लैच खोल के यहाँ से ऐसे, और ये पूरा एक बेड बन जाता है। तो ये था, काफ़ी अच्छी यूटिलिटी व्हीकल है, काफ़ी अच्छा सेटअप है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और डिटेलिंग के काम के लिए या इस गाड़ी की परचेज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और नंबर गिवन है, उन पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।